आईपीएल में किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी जीत। रोहित 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी। पंजाब लगातार दूसरा मैच हारा। आईपीएल के 13वें सीजन का 13वां मैच मुंबई इंडियंस ने किंग्स इलेवन पंजाब को 48 रन से हरा दिया। टॉस हारकर मुंबई ने 192 रन का टारगेट दिया था। जवाब में पंजाब ने 8 विकेट पर 143 रन ही बना सकी। पंजाब के खिलाफ मुंबई की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले मुंबई ने पंजाब को 2016 में 25 रन से हराया था। वहीं रोहित शर्मा आईपीएल में 5000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी भी बने। पंजाब के लिए ओपनर लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल कमाल नहीं दिखा सके। मयंक ने 25 रन बनाए जिन्हें जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया। इसके बाद करुण नायर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद राहुल भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और 17 रन बनाकर राहुल चाहर की बॉल पर बोल्ड हुए। इससे पहले मुंबई ने 4 विकेट पर 191 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। रोहित के अलावा किरण पोलार्ड ने 20 बॉल पर नाबाद 47 और हार्दिक पांड्या ने 11 बॉल पर नाबाद 30 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 23 बॉल पर 67 रन की पार्टनरशिप भी हुई। पंजाब की ओर से सेल्डन मोहम्मद शमी और कृष्णप्पा गौतम को एक एक विकेट मिला। मुंबई ने आखिरी 5 ओवर में 89 रन बटोरे। पिछले मैच में भी मुंबई ने आखिर के 5 ओवर में 89 रन बनाकर मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया था। इससे पहले आईपीएल 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात लॉयंस के खिलाफ आखिरी 4 ओवर में 112 रन बनाए थे। वहीं 2019 में भी बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आखिरी 4 ओवर में 91 रन जोड़े थे। मुंबई के क्विंटन डीकॉक और सूर्यकुमार यादव कुछ खास नहीं कर सके। डीकॉक मैच के पहले ओवर में 5वीं गेंद पर ही आउट हो गए। उन्हें सेल्डन ने बोल्ड किया। वहीं सूर्यकुमार को मोहम्मद शमी ने रन आउट किया। खराब शुरुआत के बाद रोहित शर्मा और ईशांत किशन ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरी विकेट के लिए 62 रन की पार्टनरशिप की। इस तरह मुंबई की शानदार जीत हुई। मुंबई ने पंजाब को 192 रन का टारगेट दिया। आखिरी 5 ओवर में 89 रन बनाए। रोहित ने 38 भी 50 लगाकर रैना के रिकॉर्ड की बराबरी की। आईपीएल के 13वें सीजन का 13वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस के बीच अबुधाबी में खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने पंजाब को 192 रन का टारगेट दिया। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। वे आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। वहीं सबसे ज्यादा 50 लगाने के मामले में उन्होंने सुरेश रैना की बराबरी की है। मुंबई ने आखिरी 5 ओवर में ताबड़तोड़ 89 रन बनाए। रोहित के अलावा किरण पोलार्ड ने 20 बॉल पर नाबाद 47 और हार्दिक पांड्या ने 11 बॉल पर नाबाद 30 रन की पारी खेली। दोनों के बीच 23 बॉल पर 67 रन की पार्टनरशिप भी हुई। पंजाब की ओर से सेल्डन मोहम्मद शमी और कृष्णप्पा गौतम को एक एक विकेट मिला। मुंबई के क्विंटन डीकॉक और सूर्यकुमार यादव कुछ खास नहीं कर सके। डीकॉक मैच के पहले ओवर में 5वीं गेंद पर ही आउट हो गए। उन्हें सेल्डन ने बोल्ड किया। वहीं सूर्यकुमार को मोहम्मद शमी ने रन आउट किया। खराब शुरुआत के बाद रोहित शर्मा और ईशांत किशन ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 62 रन की पार्टनरशिप की। किशन को कृष्णप्पा गौतम ने आउट कर पार्टनरशिप को तोड़ा। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने आईपीएल में 5000 रन पूरे किए। इस मैच में 2 रन बनाते ही रोहित ने यह कीर्तिमान अपने नाम किया। अब तक केवल 2 बल्लेबाज ही आईपीएल में 5000 से ज्यादा रन बना सके हैं। कोहली ने 178 मैचों में 37 की औसत से 5426 रन बनाए हैं। रैना ने 193 मैचों में 33 की औसत से 5368 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल में अपनी 38वीं 50 लगाई। लीग के सबसे ज्यादा 50 लगाने के मामले में रोहित ने चेन्नई सुपर किंग की सुरेश रैना की बराबरी की है। दोनों ने लीग में 38 50 लगाई हैं। हालांकि रैना इस बार लीग का हिस्सा नहीं है। वहीं लीग के सबसे ज्यादा 50 का रिकॉर्ड सनराइजर हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर के नाम है। आईपीएल के सीजन में पावर प्ले के दौरान सबसे ज्यादा विकेट पंजाब के सेल्डन और मोहम्मद शमी के लिए। पावर प्ले में कॉर्टरेज के अब तक 4 और शमी ने 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। पंजाब में अश्विन की जगह कृष्णप्पा गौतम को टीम में शामिल किया गया। टीम में ग्लेन मैक्समैन, निकोलस पूरन, जिमी और
सेल्डन विदेशी खिलाड़ी हैं। वहीं मुंबई में कोई बदलाव नहीं किया गया। टीम में क्विंटन डीकॉक, किरण पोलार्ड, ट्रेंट वोल्ट और जेम्स पीटरसन विदेशी खिलाड़ी हैं। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।